To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. 10 मिनट का वक्त दें तो चलिए देखते हैं आज की पजल. आज की पजल है 2 days ago यू वेयर 17. 2 दिन पहले आपकी उम्र थी 17 साल. नेक्स्ट ईयर अगले साल यू विल बी 20. आप हो जाओगे 20 साल के. ये कैसे संभव है? 2 दिन पहले आप थे 17 साल के. नेक्स्ट ईयर अगले साल आप हो जाओगे 20 साल के. ये कैसे संभव है? 2 days ago यू वेयर 17. नेक्स्ट ईयर यू विल बी 20. हाउ इज दिस पॉसिबल? अब इस पजल के बारे में सोचें. पॉसिबल है ये मैं कहता हूं. पॉसिबल करने के लिए आपको मैं 2 हिंट देता हूं. पजल के शब्दों पर ध्यान दीजिए. पहला हिंट, आप 12 साल के कब हुए और आपके 11 साल के कितने महीने और कितने दिन के बाद आप 12 साल के हुए. पहले हिंट में 2 प्रश्न हैं. आप 12 के कब हुए और 11 के बाद आपको 12 तक पहुंचने में कितने महीने और कितने दिन लगे? यहां पर उत्तर है. चलिए दूसरा हिंट देता हूं. दूसरा हिंट है नेक्स्ट ईयर, अगले साल के क्या क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं. नेक्स्ट ईयर को कितनी तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट ईयर के अगले साल के कितने अर्थ आप निकाल सकते हैं. निकालिए, यह भी उत्तर है. वीडियो बंद कीजिए, सोचिए, हिंट आपके सामने है. तो चलिए अब देखते हैं मेरा एक्सप्लेनेशन. अब एज्यूम करते हैं कि आज जनवरी 1, 2019 का दिन है. आज की तारीख है 1 जनवरी 2019. 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी? 2 दिन पहले कौन सा दिन था? December 30, 2018. अब मान लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ है December 31, 2000. आपका जन्म हुआ 31 दिसंबर 2000 को. अब हम इन फैक्ट्स को अलग तरीके से लिखते हैं. December 30, 2018 को आपकी उम्र क्या थी? 17 साल. December 30, 2018 को आप 18 के नहीं हुए थे, लेकिन December 31, 2018 को आप हो गए 18 साल के. और आज है January 1, 2019. अब आप 19 साल के कब हो जाएंगे? आप 19 साल के हो जाएंगे December 31, 2019 को. अब आज 1 जनवरी 2019 है, तो नेक्स्ट ईयर कब होगा? 2020. 2019 के रेफरेंस में नेक्स्ट ईयर होगा 2020. और आप 20 साल के कब हो जाओगे? December 31, 2020 में आप हो जाएंगे 20 साल के. जिस तरह से पजल लिखी गई, जिस तरह से वर्डिंग की गई, वहां पर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं. जो बोला गया उसको समझना जरूरी है, लेकिन जो बोला गया उसके पीछे क्या अर्थ है उसको समझना भी बहुत जरूरी है. दिखता हुआ अर्थ और छिपा हुआ अर्थ दोनों को देखना है, और ये कला हमें विकसित करनी है. इसी तरह विभिन्न कुशलताओं का विकास करते हुए हम 601 पजल की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे. अगली पजल में अवश्य मिलेंगे. धन्यवाद. थैंक यू.